हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि विश्वकर्मा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पार्टी मेकअप लुक। और ये पार्टी मेकअप लुक मैंने अपनी सिस्टर के ऊपर क्रिएट किया है। और इस पार्टी मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द वेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स। तो ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट के हेल्प से क्रिएट किया है, जो नॉर्मली सबके यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। और जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मेरी बहन का आफ्टर लुक है और ये बिफोर लुक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर की आईब्रो फिल कर रही हूँ आईब्रो पाउडर की हेल्प से। ये ADS का आईब्रो पाउडर है और आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये 2-in-1 होता है, जेल आईलाइनर भी इसके साथ में आता है। इसके बाद मैं कंसीलर की हेल्प से आईब्रो को करेक्ट कर रही हूँ, जिससे कि आईब्रो शार्प देखें। और इसी कंसीलर को मैं एज आई बेस यूज़ करूँगी, जिससे कि आई शेडो उभर के आए। इसी तरह मैं दोनों आईब्रोज़ को एक शेप देते हुए फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मेकअप स्टूडियो का कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं एक ट्रांजिशन शेड लेके पूरी आईलिट पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करते जाऊँगी। उसके बाद मैं सेम कंसीलर की हेल्प से एक कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। आपके पास जो भी कंसीलर हो आप वो कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कंसीलर यूज़ करें आप भी वही यूज़ करें। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जिसको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर यूज़ किया है उसी के ऊपर अप्लाई करूँगी, जिससे कि ग्लिटर फॉल नहीं होगा और अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद मैं जितना भी एक्सेस ग्लिटर है मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर होता है, अफोर्डेबल है, 150 के रेंज में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये बहुत ही पिगमेंटेड रहता है और इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, जिससे कि एक थिन आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। उसको मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई करके उसको भी हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है कैरेबियन। मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी और साथ ही ब्लेंड करते जाऊँगी, जिससे कि डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन हाइड हो जाए। उसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए बेज शेड यूज़ करूँगी, जिसको मैं अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड फोरहेड, चिन के ऊपर अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरे जो फीचर्स हैं वो थोड़ा सा हाइलाइटेड दिखें। उसको मैं अप्लाई करके साथ में ही ब्लेंड करते जाऊँगी। और यहाँ पे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो बेस है वो केक ही ना लगे। और
पर बहुत अच्छे से जा रहा है। उसको मैं ब्लेंड करते जाऊंगी जिससे कि थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक का है। उसके बाद मैं चीक्स के ऊपर हाइलाइटर यूज़ करूंगी। ये जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट हैं वहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड लेके आईज़ के नीचे आउटर लाइन पर स्मच कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक शेड लेके थोड़ा सा आईज़ के नीचे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं मस्कारा के लिए मैट लुक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, एक बार अप्लाई करने पर ही बहुत ही अच्छी कवरेज दे देता है। उसके बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ, जो ये हुडा ब्यूटी की फॉल्सेस हैं मैंने वो अप्लाई की हैं यहाँ पे। और ये आप आइज़ का लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए यहाँ पे हाफ एंड हाफ की